नमस्कार दोस्तों, आज आपका गीता लेडीज टेलर में स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब लाइक करना है। जिन लोगों ने पहले से मुझे सब्सक्राइब लाइक किया उनका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद है दोस्तों। हाँ दोस्तों, बेल आइकन पे भी क्लिक करना, यानी जो भी मेरी नई वीडियो होगी आपके मोबाइल में पहले आ जाएगी। तो हाँ दोस्तों, हमने आपको कल क्या बताया था, फोर टक्स ब्लाउज। तो आज हमारा वही टॉपिक हो गया, यानी फोर टक्स ब्लाउज। अभी हम पहले क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट फोर टक्स ब्लाउज की कटिंग कैसे की जाती है, बाद में जो हमारा क्रॉस पट्टे था वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। अभी हमारी कटोरी हो गई, अभी हम लोग फोर टक्स बताए वो डायरेक्ट कैसे किया जाता है। अभी ये नॉर्मली मैंने ब्लाउज ले लिया है, ऐसा समझ, अभी यहाँ तो मैंने प्रिंस कट का लिया हुआ है। अभी मैंने प्रिंस कट का लिया, आपके पास नहीं, ऐसा कोई मतलब विचार नहीं करना है। आपने कौन सा भी लेना है, कटोरी, प्रिंस कट, फोर टक्स, वन टक, जो आप यूज करना चाहते हो वो लेना है। खाली इसका हमें खाली मेजरमेंट लेना है, वो मेजरमेंट मैं आपको बताने वाली हूँ क्या है। अभी जैसे कि ये लेंथ है हमारी, कितनी थी लेंथ, यहाँ पे मैं गिन लूंगी। पहले ऐसे रख देती हूँ ब्लाउज, यानी आपको अंदाजा आ ही जाएगा दोस्तों। लेंथ हमारी है, पहले लेंथ से गिनना है हमें, शोल्डर टू शोल्डर देखना है परफेक्ट। सिलाई जहाँ पे हमारी होती है इसको ऐसे रखना है। ये कितनी है लेंथ हमारी, 13.5 है। ओके, ये ध्यान, 13.5। अभी नाल, अभी यहाँ पे हमने लेना है चेस। चेस कितना है, पहले इसको बटन लगा लेना है, इसको ऐसे रखना है 17.5 का। कितना होता है डबल, 35 होता है। ओके, तो भी ऐसा होगा तो हमें ऐसे भी गिन लेना है 9, यानी ये 36 का ब्लाउज है दोस्तों। हल्का सा मैंने खींचा, ज्यादा नहीं खींचा, क्योंकि वो ही है जो पहना है, वो ऐसा ब्लाउज है तो आपने परफेक्ट लेना है। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हमें एक जगह भी गिन लेंगे तो भी अच्छा चलेगा। ये देखो जहाँ पे हमारी सिलाई टच होती है वहां से मैंने गिना है 9, यानी ये 4 टक का ब्लाउज हम डायरेक्ट सिल रहे। ओके, और यहाँ पे हमारा है 7.25, मैं 7.5 ही ले लूंगी। आधा इंच में कुछ, मुझे पाव इंच में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मार्जिन ज्यादा देने वाले, तो फिटिंग के साथ ये परफेक्ट आ ही जाता है। 9 और 7 था। ओके, तो यहाँ पे हमने शोल्डर गिनना है। मैं शोल्डर ज्यादा से गिनती नहीं हुई दोस्तों, तो भी जो नए लोग होते हैं उनके लिए मैं बता दूंगी, एकदम इजी तरीका है दोस्तों, सिंपल ब्लाउज सिल रहे। ये है 10। ओके, तो अभी हम इसको थोड़ा साइड रख लेंगे, पेपर कटिंग करते हैं। अभी यहाँ पे मैंने प्लेन वाला पेपर ले लिया है, इसको मैंने से घड़ी कर ली हुई है इसी तरह से। अभी यहाँ पे हमारी लेंथ थी 13 थी, तो यहाँ पे मैं 1 इंच बढ़ाऊंगी, यानी 14। और जो अच्छे सिलते हो आधा इंच भी बढ़ा सकते हो, पर जो जिनको ज्यादा कपड़ा लगता है सिलने में, कभी कम हो जाता है, मतलब सिलने के टाइम पे छोटा बड़ा हो जाता है ब्लाउज, तो उनके लिए खास करके देखना है। यहाँ पे मैंने 1 इंच बढ़ाया, 13 था तो यहाँ पे मैं 14 लूंगी। और यहाँ पे हमारा शोल्डर कितना था, 10 था, तो यहाँ पे मैं 5 लेने वाली, क्योंकि नेक हमारा बड़ा है इसी तरह से। और आर्मोल हमारा है 5.5, जितना 5 है यहाँ पे मैं आधा इंच नीचे उतर जाऊंगी इसी तरह से। ओके, ये हो गया 5.5 आर्मोल, और ये हमारा है 5 शोल्डर। अभी चेस हमारी थी 36 थी, 36 में मैंने 4 में डिवाइड किया, यानी 9 होता है। और 9 में मैं बताने वाली हूँ, यहाँ पे अभी बताने वाली हूँ, जिसका गला बहुत बड़ा बड़ा होता है ना तो 9 ही लेना, जिसका गला छोटा होता है तो आधा इंच लूजिंग रखना, यानी 9.5 लेना है। ओके, यहाँ पे हम लोग 9 ही लेंगे, क्योंकि गला थोड़ा नेक बड़ा है हमारा इसीलिए। और यहाँ पे हम लोग 1.5 इंच मार्जिन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पहले स्केल लगा देते हैं इसी तरह से। ये हमारी स्केल हो गई है। अभी यहाँ पे हमारा कितना था, 7.5 था, तो यहाँ पे हम लोग 8.5 ले गए टक्स पॉइंट के लिए दोस्तों। 8.5 1 इंच बढ़ा देना है, और यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन। अभी यहाँ पे स्केल के द्वारा हम लोग लाइन दे देते दे, सीधी वाली। कभी भी हमें फोर टक्स का सिलना हो तो पहले क्या करना, आगे का पार्ट हमें पहले परफेक्ट करना है, सॉरी पीछे का पार्ट हमें एकदम पहले बॉक्स तैयार कर लेना है इसी तरह से, तो हमें सिलने में अच्छी तरह से परफेक्ट हो ही जाता है। अभी यहाँ के हमें बीच का सेंटर निकालना है इसी तरह से, ये वाला, और यहाँ पे हमें 1 इंच अंदर जाना है इसी तरह से। और यहां से हमें क्या करना है दोस्तों, 2.5 इंच ऐसे इसके साथ हमें लेवल करनी है इसको इसी तरह से। हल्का सा हमें देखना है, यहाँ पे हमें अटैच करना है इसी तरह से। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 इंच या अंदाजे से लिया तो भी चलता है, तो भी मैं आपको बताना चाहूंगी, इसको ऐसे कर देती हूँ, यानी एक अंदाजा आ ही जाता है। एरो दे दिया ना तो अपने को थोड़ा आर्मोल अच्छी तरह से आ जाता है।
अभी यहां से मैंने कितना बढ़ाया था, 2.5 इंच। तो 2.5 इंच में हमें इसे करना है, इसी तरह से हमें गोलाई में देना। यानी हमारे यहाँ पे फुगा वगैरह कुछ आता नहीं, पर यहाँ पे मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही देनूंगी। जब हम लोग स्टिचिंग करते तब ये मार्ग हम लोग कट कर लेते हैं। ओके, ये हमारा बैक साइड का हो गया। अब यहाँ पे हमें टक्स पॉइंट लगाना है। टक्स पॉइंट होगा 4 और यहाँ पे हम लोग लगे 4.5। ये हमारा है टक्स पॉइंट और यहाँ पे हमें आधा इंच ऐसे लेना है और यहाँ पे आधा इंच ऐसे लेना है। आधा इंच से, क्योंकि 1 इंच का यहाँ पे माप हो गया हमारा, तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच बढ़ाया। तो जब हम लोग उसको सिलेंगे तो ये आगे आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग 1 इंच बढ़ा ही लेते पहले ही टक्स पॉइंट के लिए। तो ये हमारा होगा बैक साइड का हो गया दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे हमने तीरा लेना है 2 का, क्योंकि मैं 2 का लेती हूँ। यहाँ पे ये 3 का आ जाता है, फिर सिलने के बाद ये 2.5 पे तीरा की थोड़ी थोड़ी सिलाई यहाँ पे चली जाती है। अभी नेक तो आपके हिसाब से कम या ज्यादा ले सकते हो। यहाँ पे मैं लूंगी 5.5 की नेक है, यानी गला 6 ले लेती हूँ। ये गला आपके हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो। अभी यहाँ पे हमने 3 का तीरा लेना है, इसी तरह से कि सबके लिए 3 का तीरा ले लेना है कंपलसरी, क्योंकि किसी को प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए। तो फिर इतना होता हो, छोटा गला होता है तो शोल्डर बढ़ जाता है। जैसे अभी ये छोटा गला होता है तो ये शोल्डर हमारा बढ़ता है, और बड़ा गला होता है तो शोल्डर थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। तो यहाँ पे हमने इसे राउंड दे देना है। जो भी आपको डिजाइन चाहिए इसमें आप कर सकते हो, इसी तरह से। ओके, तो हम इसको कट करना है। इस ब्लाउज का है ये माप। अभी आपने लगा इसने शोल्डर क्यों कट नहीं किया, कि हम लोग सिलने के टाइम पे कट करते। मैं पहले कट नहीं करती हूँ, बाद में ही कट करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले हम लोग बैक साइड कट कर लेते हैं, फिर वही रखना है हमें। अभी आपके पास होगा पीछे का पार्ट, उससे भी आप 4 टस का ब्लाउज निकाल सकते हो दोस्तों, इजीली निकाल सकते हो। आपको नए तरीके से कट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने इसे कट कर लिया हुआ है। अभी दूसरा पेपर ले लेते हैं हम। यहाँ पे मैंने कट कर लिया है दोस्तों, आप देख रहे हो। अभी यहाँ पे हमने फिर सिर्फ ड्रॉ करना है। इसी तरह से यहाँ पे हमने क्या करना, 1 इंच बढ़ा देना है। यहाँ पे हम लोग स्केल से दौरे पहले निशानी मार देंगे, इसी तरह से ये हमारा। ओके, तो यहां पे हमें अटैच करना है। आपके पास सिला हुआ ब्लाउज होगा, या आपके पास ऑलरेडी नाप होगा, या गीताली टेलर का नाप होगा, या आपका खुद का नाप होगा, तो ये बैक साइड ही रखना है, बाकी कुछ करना नहीं। तो हम जैसे है वैसे इसको ड्रॉ कर लेना है, सिर्फ जैसे वैसे ड्रॉ कर लेते हैं। अभी यहाँ पे मैंने जैसे वैसे ही ड्रॉ करना है, और यहाँ पे मैंने बढ़ाया हुआ। अभी यहाँ पे हम लोग तरह आगे का टक्स पॉइंट लगा लेंगे, इसी तरह से। ओके, और यहाँ पे हमें गोलाई करनी है। डॉट डॉट करती हूँ मैं, यानी ये आगे का होगा, और यहाँ पे हमें ये पार्ट हमें ऐसे कट कर लेना है। ये पार्ट हमें चाहिए नहीं, क्योंकि आगे का पार्ट है। अभी यहाँ पे मैंने ले लिया हुआ है दोस्तों। अभी यहाँ पे नेक हमारा होगा 6 का, मैं यहाँ पे क्रॉस में कर रही हूँ, और 2.5 का तीरा यहाँ पे 2, यहाँ पे 2.5, क्योंकि फिर फिटिंग परफेक्ट आ जाती है नेक में, नहीं तो फिर खिंचा खिंचा हुआ सा लगता नहीं है दोस्तों। ये हमें डायरेक्ट फिनिश का अपना डायरेक्ट 4 टक्स बता रहे हैं। यहाँ पे हमें क्रॉस पट्टी वगैरह हम लगाने वाले नहीं है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत ईजी तरीका है, ये आपको आसानी तरीके से आ ही जाएगा। ये ज्यादा करके लड़कियां ज्यादा करके ये ब्लाउज पहनती है, मतलब कॉलेज वाली लड़कियां होती है वो प्रिंस कट, और ये ज्यादा पहनती है। ओके, अभी ये हो गया है, ये देख रहे हो। अभी यहाँ से हमें ब्रश पॉइंट निकालना है, हमारा है 10। इसमें आपको बताना चाहूंगी ब्रश पॉइंट 9, 9.5, 10 ही लेना है, तीनों में से ही लेना है, हमें ज्यादा जाना नहीं। अभी ये 36 है, इसलिए मैं इसको 10 ले रही हूँ, क्योंकि हमारा डायरेक्ट प्रिंस कट है। डायरेक्ट प्रिंस कट नहीं होता तो हम लोग 9 भी ले सकते, पर यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट 4 टक्स बना रहे हैं ना, इसीलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट 10 पे लेंगे, और सिलने के बाद ये 9.5 पे आ ही जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसे पॉइंट दे दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग ऐसे पहले निशानी मार लेंगे इसकी, इसी तरह से देख रहे हो। तो यहाँ पे हमारा होगा 10वां भाग, चौथा है। इसको ऐसे हम लोग पहले निशानी मार देंगे। यहाँ पे मैंने बढ़ाया हुआ है दोस्तों, इसी तरह से। ओके, तो यहाँ पे मैंने बढ़ाया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा होगा
दसवां में 36 का, दसवां होगा हमारा होगा 3.5 होता है, यहाँ पे आधा इंच बढ़ोगे यानी 4, ये हमारा टक्स पॉइंट हो गया है। इसको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दे देते हैं और यहाँ पे हमने क्या करना है, जो आधा इंच यहाँ पे बढ़ाना है और आधा इंच यहाँ पे बढ़ाना है, यानी 1 इंच का टक्स ये हमारा पूरा हो गया है। ये मेन टक्स होता है हमारा, तो जब हम यहाँ पे स्टिच करेंगे इसी तरह से, तो ये टक्स यहाँ पे लेवल हो जाएगा, तो हमारा ब्लाउज परफेक्ट आ ही जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ भी बढ़ा सकते हो, यहाँ पर बढ़ा सकते हो, यहाँ पे ज्यादा करके बढ़ाना है क्योंकि परफेक्ट ब्लाउज आ ही जाता है। अभी यहाँ पे मैंने ले लिया हुआ है, अभी यहाँ पे हमने क्या करना है, 1.5 इंच पे हमें हल्के से इसको यहाँ पे निशानी दे देनी है और हल्के से हमें यहाँ पे 1/2 इंच यानी आधे पाव पे हमें इसको यहाँ पे सिलाई मारनी है, आधे पाव पे। और यहाँ पे ये हो गया, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 1/4 इंच करना है यहाँ पे भी ऐसे ही, और यहाँ पे हमें 2 इंच पे नीचे उतरना है और इसको भी हम लोग ऐसे क्रॉस में लाइन दे देते हैं हल्की सी इसी तरह से। अभी यहां से हमें क्या करना है, वहां पे भी 1/4 इंच, तो जहां पे हमारा ये पॉइंट होता था वहां पे इसको ऐसे करना है हल्के से, यानी 1/2 इंच यहाँ पे सिलाई मारनी है। हमारी कटिंग हो गई दोस्तों, अभी यहाँ पे हमें सब बढ़ाया, जब अभी यहाँ पे सिलेंगे तो ये हो जाएगा और ये सिलेंगे, यानी हम लोग ये सिलेंगे तो ये नीचे हो जाएगा और पीछे का पार्ट हमारा बड़ा हो जाए, ये पार्ट हमारा छोटा हो जाए। तो हमें इसके लिए क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे हमने 1 इंच बढ़ाया, यहाँ पे हम लोग 1 1 इंच बढ़ा देंगे इसी तरह से, 1 1 इंच बढ़ाना है क्योंकि किसी को कपड़ा ज्यादा लगता है, किसी को कम लगता है, आधा इंच भी बढ़ा सकते हो, पर 1 इंच भी ज्यादा बोल रहे हो क्योंकि बाद में हम लोग इसकी कटिंग कर लेते हैं सिलने के टाइम पे, ये वाला है। और यहाँ पे हम लोग को यहाँ बढ़ाया हो, यहाँ पे हमने आधा आधा इंच बढ़ाना है, ज्यादा नहीं आधा इंच बढ़ाना है क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बढ़ाया हो, इसलिए यहाँ पे आधा इंच बढ़ा देना है हमें इसी तरह से। ओके, एकदम सिंपल तरीके का हमारा ब्लाउज रेडी हो गया है। इसी तरह से जो डायरेक्ट फोर टक्स कहते हैं दोस्तों, इसको भी हम यहाँ पे अटैच करेंगे, नहीं तो आप समझोगे ये क्रॉस पट्टी है क्या। इसी तरह से ओके, तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं इसी तरह से, सिलने में बहुत इजी दोस्तों और कटिंग भी बहुत इजी है। अभी इसके आगे हम आपको दूसरी कटिंग बताएंगे, अभी ये तो आपने देख लिया है दोस्तों। तो यहाँ पे हमें इसे कट करना है, इसको कट नहीं इसको कट करना है क्योंकि हमने आर्मोल से आगे का आर्मोल है हमारा ये, तो इसको ऐसे कट कर लेना है, देख रहे हो, यहाँ पे हमें इसे कट कर लेना है। ये हमारा हो गया फोर टस की कटिंग, जैसे कि मैं इसको लगाने वाली हूँ इसी तरह से, आप देख सकते हो मैंने कितना बढ़ाया हुआ है, यहाँ पे मैंने नेक कट नहीं किया हुआ है, देख रहे हो इसी तरह से, जैसे ये सिलेगा ना दोस्तों ये अपने आप ऊपर आ ही जाएगा। ओके, इसी तरह से हमें बढ़ाना है, जैसे ये हम लोग सिलेंगे तो ये अंदर आ जाएगा, ये सिलेंगे तो ये अंदर आ जाएगा, ये थोड़ा सिलेंगे तो ये ऊपर उसका पप अच्छी तरह से आ जाएगा, तो ये एकदम परफेक्ट इसके आगे आ ही जाता है। अभी हम इसको स्लीव्स की कटिंग बताएंगे कैसे करनी है। अभी यहाँ पे मैंने हमारी हाथों की लेंथ है 4 है, तो हम यहाँ पे 5 ले लेंगे, 1 इंच बढ़ा देंगे और बॉक्स तैयार कर लेंगे पहले इसी तरह से, और गोलाई हमारी है 6.5 है, तो यहाँ पे हम लोग 7.5 लेंगे, 1 इंच बढ़ा लेंगे मार्जिन पॉइंट, इसको हमें से 2.5 इंच नीचे उतरना है हमें, और इसको हमें ऐसे करना है सभी के लिए 2.5, और 38 के ऊपर होते हैं तो उनको 3 नीचे उतरना है, और ऐसे नॉर्मली 2.5 उतरना है, ज्यादा उतरना ही नहीं है। और ये हमारा 1.5 इंच होगा मार्जिन, और यहाँ पे हमें करना है राउंड शेप इसी तरह से। अभी हम इसको कट कर लेते हैं, है ना दोस्तों, स्लीव्स कटिंग करना भी कितना आसान है, आप ना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा है दोस्तों, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपके लिए अच्छा भी है और आपको आई भी जाएगा। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा कैरी से देना है,
कैची भी नहीं चल रही मेरी, इसी तरह से देखा एकदम परफेक्ट। तो कैसा लगा आज का वीडियो दोस्तों? बहुत सारे की कमेंट थी, मैम फोर टक्स बताइए, फोर टक्स बताइए, मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। इस तरीके से अभी अभी डायरेक्ट कपड़े पे सिलना हो, वीडियो देख के सिलना है, मैंने एक वीडियो अपलोड किया है दोस्तों, आप वो देख सकते हो, सिल सकते हो। अभी नेक्स्ट वीडियो हम आपको आगे बताएंगे अभी क्या करना, वो भी सरप्राइज है। तो ऐसे ही प्यार देते रहना दोस्तों, धन्यवाद।